तो अब हम आ चुके हैं ऐसी जगह हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं सेकंड ब्लॉग लेके हमारा। और कहाँ है हम? भीम बेटिका में, जिसको भीम ने बनाया था एक रात में। सो बने रहना, हम बहुत ही औसम चीज बताने वाले हैं। क्यों लवलेश, आवाज ही कर दो। देखो वावा व्यू दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बेटा देवता ही बना सकते हैं। देखो देवतों का ही कारनामा है। देखो कितनी बड़ी पहाड़ी को उन्होंने शॉर्ट करके बीच में से रास्ता बना दिया। मूर्तियां रखी है आदिवासियों की। ये देखो वावा व्यू, भीमदेव जी ने देखो, तब जब के जमाने में कुछ भी नहीं था, क्या क्या खोद के बनाया भैया। ऐसे नहीं बोलते थे कि हजारों हाथियों का उनके दम है, उनके हाथों में हजारों हाथियों का। देखो दम था, आगे अभी चीर के निकाल दी पहाड़ियों में से गुफाएं हैं। देखो कबूतर, देखो नीचे भी देखो, ये तो आर्टिफिशियल कर बनाया है, नहीं पहाड़ी रियल है, इसको कोई खोद नहीं सकता। आप फॉरेन में जाते हो जब जाके ऐसा व्यू मिलता समुंदर के इधर। यहाँ तो देखो भीम जी ने बना दिया, मतलब फॉरेन वालों लोगों ने अपनी नकल करी है शायद। तो है ही नकल जी, मेरे पीछे व्यू पॉइंट है पूरा। बर्ड खूब होते आ रहे हैं, सर्दियों में आओ मजा आएगा। तो अब हम आ चुके हैं ऐसी जगह। तो गाइस हम आ चुके हैं ऐसी जगह जहाँ कलाकारी करी थी हमारे पूर्वज लोगों ने। ये देखो ये गाय बकरी हिरन इंसान वगैरह, मतलब जमाना कोई सा भी हो, बंदे को कलाकारी दिखाना है। यह अपने पूर्वज आए थे, ये अपने परदादा ने बनाया था।